मुरादाबाद के सिविल लाइन स्थित छतरीवाला पार्क में भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान बताया गया कि बीते दिनों कटघर थाना क्षेत्र के गुलाबबाड़ी स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था। उस कार्यक्रम में आचार्य अंकित पहुंचे थे। आरोप है कि आचार्य अंकित ने अपने संबोधन में भगवान वाल्मीकि पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसको लेकर सभी वाल्मीकि समाज में रोष उत्पन्न हो गया है। इस संबंध में कटघर थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए एक शिकायती पत्र दिया जाएगा। मामले की जानकारी देते हुए भाभादस के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्ला बाबू द्रविड़ ने बताया कि भगवान वाल्मीकि प्रकट उत्सव के उपलक्ष्य में कटघर थाना क्षेत्र के गुलाबबाड़ी स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के दौरान आचार्य अंकित ने वाल्मीकि समाज के भगवान वाल्मीकि पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसको लेकर वाल्मीकि समाज में रोष उत्पन्न है। इस संबंध में एक शिकायती पत्र भी कटघर थाने पर दिया जा रहा है, जिसमें आचार्य अंकित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की जाएगी। जी बाबूजी, आज भावदस द्वारा एक प्रकरण सामने आया है और उसमें शिकायत भी कटघर थाने में दी जाएगी, क्या पूरा मामला है? मामला यह है कि 16 तारीख को इसी माह की जो पीछे बीत चुकी, वहाँ वाल्मीकि प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम रखा गया था। उसमें हमारे भगवान वाल्मीकि जी को चोर डाकू कहा गया है। अंकित आचार्य अंकित जी ने इसके विरोध में आज रिपोर्ट भी दर्ज कराने जा रहे हैं और आगे भी इनके पुतले और विद्यालय का घेराव कर। ये कहाँ पर की गई थी बात? ये कटघर गुलाबबाड़ी फाटक के बराबर में है ये, और मैंने उन्हें नोटिस दे दिया है। विद्या मंदिर है, सरस्वती विद्या मंदिर, उसको मैंने नोटिस उन्हें पहुंचा दिया उसी दिन, और अब मुकदमे की तैयारी कर। क्या मांग करेंगे इसमें? मांग ये करेंगे कि इस पर प्रतिबंध लगाया जाए। हमारी जो धार्मिक भावना है उसको बार बार ये अनजान लोग, किसवंती जो पढ़े लिखे सही नहीं है, किसी ने अध्ययन नहीं कराया किसी ग्रंथ का उसमें, और ऐसी बातें कहते रहे। हमारी भावदस ने बरेली में और देखो मुरादाबाद में मुकदमे कायम कर रहे हैं हम लोग, जहाँ जहाँ ऐसी हरकतें हुई।